मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विस ओपन 2022 के प्री क्वार्टर्स के मैचेस के बारे में। जी हां, आज के दिन प्री क्वार्टर फाइनल्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं और फिलहाल अभी भी कुछ मैचेस चल रहे हैं, लेकिन काफी सारे भारत के अहम मैचेस खत्म हो चुके हैं और उन्हीं के रिजल्ट्स हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो शुरुआत हम करेंगे मेंस डबल्स से, जिसमें भारत की ओर से चिराग और सात्विक की जोड़ी खेलती हुई नजर आई इंडोनेशियन पेयर के अगेंस्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी बढ़िया शुरुआत होने के बाद प्री क्वार्टर्स में चिराग और सात्विक को हार का सामना करना पड़ा और वो भी स्ट्रेट सेट्स में 19-21, 20-22 से वो आज अपना मुकाबला हार गए और यहीं से स्विस ओपन से बाहर हो गए हैं। वहीं बात की जाए मेन सिंगल्स की, तो मेन सिंगल्स में काफी सारे भारतीय खिलाड़ी हमें देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे किदंबी श्रीकांत की, जिनका मुकाबला था फ्रांस के शटलर के खिलाफ और 3 सेट तक ये मुकाबला गया। बात करते हैं तो एक समय पर देखकर ऐसा लग रहा था कि आज श्रीकांत के हाथ से ये मुकाबला निकल जाएगा, पर फॉर्चुनेटली श्रीकांत आज का मुकाबला 13-21, 25-23, 21-11 से क्रिस्टो पोपोव के अगेंस्ट जीतने में कामयाब रहे और क्वार्टर फाइनल्स में वो पहुंच चुके हैं। अब क्वार्टर फाइनल्स के अंदर उनका जो मुकाबला रहेगा वो इस टूर्नामेंट के नंबर 2 सीड एंटनसन के अगेंस्ट रहने वाला है। वहीं बात की जाए उनके अलावा एच एस प्रणॉय की, तो एच एस प्रणॉय ने उन्हें भी 3 सेट में जाकर ही जीत हासिल हुई। 19-21, 21-13 और 21-9 से उन्होंने अपना मुकाबला जीता और क्वार्टर फाइनल्स में वो भी अपनी जगह बना चुके हैं। और आखिर में बात की जाए अगर पारुपल्ली कश्यप की, जिनका आज मुकाबला होना था एक्सेलसन, विक्टर एक्सेलसन के अगेंस्ट, तो इस मुकाबले में पारुपल्ली कश्यप को वॉक ओवर मिल चुका है, जिसकी वजह से पारुपल्ली कश्यप भी क्वार्टर फाइनल्स में जा पहुंचे हैं। पर क्वार्टर फाइनल्स की हम बात करते हैं तो अब पारुपल्ली कश्यप और एच एस प्रणॉय का मुकाबला आमने सामने दोनों खिलाड़ी आप सभी को कल के दिन खेलते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं कि कौन सा खिलाड़ी इन दोनों में से सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहता है। वहीं समीर वर्मा का भी मुकाबला होना बाकी है, क्योंकि काफी और भी मैचेस बचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं विमेन सिंगल्स की, और जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पीवी सिंधु की, जिन्होंने आज का मुकाबला अपना काफी आसानी से स्ट्रेट सेट्स में 21-19, 21-14 से अपने नाम किया और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। वहीं साइना नेहवाल की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली आज उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मलेशिया की शटलर के खिलाफ उनका ये मुकाबला था, 3 सेट तक ये मुकाबला जरूर गया और पहला सेट साइना जीतने में कामयाब रही थी, पर उसके बाद बाकी के 2 सेट्स में मलेशियन शटलर की तरफ से काफी स्ट्रांग कमबैक हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से साइना को आज का मुकाबला 21-17, 13-21, 13-21 से गंवाना पड़ा और वो यहीं से ही बाहर हो गई है। वहीं यंगस्टर अश्मिता चलिहा को भी हार का सामना करना पड़ा, उनका मुकाबला क्रिस्टी गिलमोर से था और 18-21, 20-22 से अश्मिता भी आज का मुकाबला हार कर यहीं से ही बाहर हो गई हैं। बात करते हैं तो अभी ये तो सारे इंपॉर्टेंट मैचेस थे जो कि हो चुके हैं, और हमने आपको बता दिया है कि क्वार्टर फाइनल्स में अभी तक कौन कौन से भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी जगह बना ली है। पर अभी कुछ और मैचेस होने बाकी है, जैसे कि समीर वर्मा का मैंने बताया, उसके अलावा वुमेन्स डबल्स अश्विनी पोनप्पा और एनसीकी रेड्डी का जो मुकाबला है वो भी होना बाकी है, उसके अलावा मेंस डबल्स के भी कुछ मैचेस अभी होने बाकी है। तो कल के दिन क्वार्टर फाइनल्स रहने वाले हैं स्विस ओपन के। और बात करते हैं तो आज के मुकाबले वैसे तो केवल और केवल BWF TV यूट्यूब चैनल पर ही दिखाए जा रहे हैं, उसी पर कोर्ट 1 और कोर्ट 2 को आप देख सकते हैं। और कल के दिन क्वार्टर फाइनल्स रहेंगे तो उसका शेड्यूल हम आप सभी के लिए डाल देंगे कम्युनिटी सेक्शन में, तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा। और कल के दिन हम उम्मीद करेंगे कि भारत के लिए काफ़ी अच्छा दिन साबित हो, और बाकी हम स्विस ओपन से जुड़ी हुई हर अपडेट हर खबर को लेकर आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे, इधर वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी सेक्शन के थ्रू। तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की वीडियो आप सभी के लिए। मुझे उम्मीद है वीडियो यूजफुल रही होगी, और अगर रही है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही ऐसी स्पोर्ट्स रिलेटेड अपडेट जानने के लिए आप सब हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और उसको जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सो थैंक यू एवरीवन।